सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू रोशन मोटो व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? होप करता हूं सब बढ़िया होंगे। तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया गाइस। और ये चेक करो कौन आया हुआ हमारे पास, आप खुद ही पहचानो। सेम। तो भाई राजा आ चुका है। तो आज भाई हम जा रहे हैं टायर डलवाने, जो कि भाई बंदा है राज्य की पहचान का, तो राजा हमारे साथ जा रहे हैं। तो भाई टायर डलवाते हैं न्यू। और अभी अभी फिलहाल मैं नहीं बताने वाला कि कितने नंबर टायर डलवा रहे हैं या फिर कितने सेक्शन का, जो भी है कौन सी कंपनी का डलवा रहे हैं कुछ नहीं बताऊंगा। व्लॉग में बने रहे, सब कुछ आपको देखा जाएगा। तो भाई निकलते हैं यहाँ से, मिलता हूँ सीधा बाइक पे। तो गाइस ये चक्कर आ चुका तुम्हारा भाई सीधा बाइक पे। तो भाई बाइक अपनी तो गाइस चमके मार रही है, देख रहे हो? और भाई आगे वाले टायर की हालत देखो आप, बिल्कुल ही टोटली खत्म है भाई ये। तो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से, ये चक्कर अपना राजा इज हियर। बाइक ना चलाने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन ये है कि भाई टायर खत्म हुए पड़े हैं। तो भाई ऐसा है कि हम धीरे से चलाते ही नहीं है, तो कहीं गिरेंगे मरेंगे कहीं। अब वो टाइम आ चुका है भाई, तू कहाँ पता नहीं क्या ही बंदे है भाई, साइड आ जा रही है गाड़ी, बट इनको बीच बीच में से ओवरटेक करना मास्क। हाँ तो गाइस अब वो टाइम आ चुका है जब भाई थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है तुम्हारा भाई गोप्रो ले रहा है, तुम्हारा भाई न्यू हेलमेट ले रहा है। हेलमेट तो गाइस एज ऑलवेज द वन एंड ओनली एब्जॉर्ब भाई, उस पर तो मेरा दिल है भाई। और अगर हम एब्जॉर्ब लेंगे तो भाई जल्द ब्लैक ही लेंगे गाइस। चलते हैं एटीएम, थोड़ा सा पैसा निकलवाना है। तो गाइस एटीएम ने भी दे दिया धोखा, तो भाई अकाउंट से पैसा कट गया बट निकला नहीं। और मैंने तो सुना गाइस इंस्टेंट रिफंड हो जाता है, चलो अभी दूसरे वाले पे आए हुए हैं, होप हो कि निकल जाए भाई, बहुत ज़रूरी चाहिए यार। कैश विड्रॉ तो हमने कर लिया, तो अभी रोड देखो गाइस और मिट्टी देखो आप, बाकी सब क्या ही देखना रह गया, यही देखो गाइस आप सब भाई। इधर से उधर, उधर से इधर, बस मुड़ते रहो और चलते रहो। आज का दिन है, मार लेते हैं स्किटे स्कूटे से, तो भाई नया टायर डल ही जाएगा। तो भाई इधर से हम अंदर को टर्न ले लेंगे और वो दिन आ चुका भाई, न्यू टायर डलवा लेंगे अच्छे वाले। क्या हाल है? अरे कुत्ता जी कहाँ बीठी, आजा आजा। ओ भाई धीरे चल लो भाई, ये लोग देखते नहीं है भाई, गॉड भगा भगा। बहुत लेट हो रहे हम। ओ भाई राज्य के साथ क्या ही खतरनाक वाली हाइट पर चल रही है, राइड देख रहे हो? यहाँ से हम कर लेंगे गाइस क्रॉसिंग, क्योंकि दुकान है पीछे टायर वाली। ओ भाई साहब, अरे 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 राजा तो भाई, ओ फाइनली भाई ये चक्कर तुम्हारा भाई पहुंच चुका शॉप पे फाइनली। और ऑटो वाले जब तक कुछ बोल रहे थे गाइस, ये चक्कर तुम्हारा भाई पहुंच चुका शॉप पे। और ये राज्य की बाइक अपनी आरएस लगी हुई है पीछे, तो अभी फिलहाल टायर वगैरह देख रहे हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस दिस इज द स्टॉक, ये आई थिंक 160 है, ये 170 है। तो अभी फिलहाल कोई आइडिया नहीं बन रहा कि कौन सा डलवाएं कौन सा नहीं, अभी फिलहाल देख रहे हैं और राजा किसी से बात कर रहा है। तो भाई सही बताऊं तो इतनी वैरायटी है ना, इतनी वैरायटी भाई, बीच बीच में टायर ऐसे मन कर रहा उठा के घर ले जाओ। तो गाइस ये चेक करो भाई, फर्क देखना गाइस, ये देखना और ये देखना। तो अभी फिलहाल कोई पक्का नहीं है कि ये डलवाएंगे कि कौन सा डलवाएंगे। चलो गाइस रेड रेडी दिख रहे हैं, अंकल भी देख रहे हो रेडी बहनी और राजे ने भी। तो गाइस टायर देखा आपने, देखा? ओ भाई भाई वो बहुत बड़ा है, वो मैं बिल्कुल भी नहीं डलवाना चाहता, सीरियसली गाइस बिल्कुल भी वो टायर मैं नहीं डलवाना चाहता, क्योंकि यार इतना बड़ा क्या ही करूँगा। स्टिल गाइस
कोई प्लान नहीं बन रहा कौन सा डलवाना कौन सा नहीं। और तो भाई ये चेक करो भाई, राजा बोल रहा है ये डलवा ले, बट भाई वो जो इधर लड़का है वो बोल रहा है कि नहीं भैया बाइक चलेगी नहीं, बहुत ओवर हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, ये चेक करो राजा की बाइक की गाइज 180 सेक्शन टायर है ये, और सीरियसली चलते टाइम बहुत तगड़ा लगता है सीरियसली गाइज। अपन देखते हैं, हम इसके पीछे चलते हैं, अपने आगे चल रहा होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। बट मेन सीन ये है गाइज, अगर तुम्हारा भाई 160 या 170 चलाएगा तो भाई ये सब उतार दूंगा, नंबर प्लेट, स्टे लाइट, मड गार्ड। सिर्फ दिक्कत ये है कि मैं क्यों नहीं डलवा रहा, द ओनली रीजन इज गाइज V3 के स्विंग आर्म में ना बहुत स्पेस है, और ये जो अपनी RS है गाइज इसमें स्पेस उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखने से भी पता चल जाता है गाइज। और मेरा ओपिनियन ये है कि लास्ट 170 से ऊपर नहीं जाऊँगा, और अगर 160 में अच्छा मिल गया तो भाई 160 कन्फर्म, और फ्रंट वाला डलवा देंगे हम 120 कन्फर्म है ये, तो डलवाते हैं गाइज फिर देखते हैं। तो टायर वगैरह हमने कर लिया सिलेक्ट, बता देते हैं आपको कौन सा टायर कर रहे हो हमने, तो भाई इस वाले का कोई काम नहीं भाई, इसको मार देते हैं ठीक है गाइज। अबे चल रहे हैं बर्नआउट की तैयारी, धुआ ही धुआ कर दिया। ये देख लो गाइस लग गया काम, तो बर्नआउट वगैरह आपने होप्स होगी एंजॉय करा ही होगा। टायर की कंडीशन देख लो भाई, पीछे वाला टायर वैसे बचा काफी है, बट अब करवा रहे हैं तो करवा रहे हैं, कोई सीन नहीं है। मेन सीन तो गाइस फ्रंट वाले टायर का, फ्रंट वाला टायर बहुत ही ज्यादा खत्म है गाइस, देख रहे हो भाई बुरा लग रहा है भाई, बाइक की कंडीशन देखो आप। और खुशी इस बात की है गाइस न्यू टायर डलने वाला है, और क्या मैंने आप सभी को बताया कि हमने कौन सा सेलेक्ट करा, चलो वेट अ सेकंड दिखाता हूँ अभी के अभी। अंदर से ला रहे हैं वो न्यू टायर, तो बहुत लेके जा रहा टायर देख लो ठीक है, तो भाई डलवाते हैं अभी टायर, दिखाते हैं आपको सीधा फाइनल लुक। एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स RS का भाई स्विंग आर्म काफ़ी छोटा है, जो कि गाइस 170 180 को सपोर्ट नहीं करेगा। V3 का और RC का भाई स्विंग आर्म काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से भाई दिक्कतें हो रही हैं तो मजबूरन हमें 160 डलवाना पड़ रहा है, क्योंकि मन तो मेरा 170 पे था, बट अब क्या ही कर सकते हैं भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अभी आपको टायर दिखाते हैं, चेकआउट द टायर, ये चेक करो गाइस, ये टायर हमने सेलेक्ट करा हुआ है, और जो कि है 160 सेक्शन, वो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका स्विंग आर्म छोटा है, दैट्स व्हाई नहीं डलवा सकते। तो अभी आपको दिखाते हैं गाइस फिट करवा के, और ये फिटिंग। तुम मेरे को कपड़ा देता, मैं साफ ही कर लेता, ये जो डिस्क गंदी सी हुई पड़ी है। तेरे गाने की वजह से मेरे को कॉपीराइट आएगा। और ये चेक करो ना भाई, ये देखो भाई, ये पता नहीं किसने पंगा लिया हुआ बाइक के साथ भाई, किसने इसने क्या बिगाड़ा हुआ भाई, सीरियसली इस मशीन ने क्या बिगाड़ा हुआ, मेरे साथ दुश्मनी है तो भाई मुझे बोलो। ओ भाई टायर तो बहुत तगड़ा लग रहा है भाई देखने में, अब चलाकर ही पता चलेगा कि क्या परफॉर्मेंस निकाल रहे क्या नहीं, एवरेज में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। ये पता क्यों लगवाया, इसमें कुछ बंदे हैं उनके लिए लगवाए हुए, हाँ बिल्कुल। कुछ ऐसा लुक निकल के आया, अभी आगे वाला भी करवाते हैं जिन सर, दिखाते हैं आपको, दिस इज द फाइनल लुक। तो भाई चलो ठीक है, ये करो भाई, ये तो हो गया, अभी बारी है फ्रंट की, मेरी ब्रेक सेट कर देना ठीक है, एवं मैं सुपर फास्ट होके जाऊं और आगे आपको न्यूज़ मिलेगी किसी ट्रक के पीछे घुस गया हुआ। ये अभी फ्रंट की बारी है भाई, अभी फ्रंट का तो काम चल रहा है, देख रहे हो फ्रंट वाला तो भाई पूरा घिसा हुआ है, ये चेक करो पूरा खत्म है फ्रंट वाला टायर, ये आ गया फ्रंट वाला भाई, तो अभी कर रहे हैं फिट, फ्रंट वाला भी आ चुका है, तो बाइक का लुक तो काफी एनहांस हो गया भाई टायर की वजह से, काफी अच्छा लग रहा है, काम हो गया कंप्लीट। ये चेक कर लो गाइस आप, फ्रंट वाला 120 सेक्शन है, और ये रियर
तो भाई ये है 160 सेक्शन। आप सभी को भी मैं सुजेस्ट करूंगा कि 160 के ऊपर ना ही डलवाओ। अगर आपने अपने स्विंग आर्म से कोई छेड़खानी नहीं करी है फिर डलवा लो, बट ऐसे तो भाई मैं यही बोलूंगा कि 160 इज वर्थ इट। अच्छा लग रहा है, माँ कसम इतनी खुशी हो रही है न्यू टायर डलवा के भाई, अब पीछे से बस इसको खत्म करवाना है। अभी गाइस निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी लेट हो गया, तो होप करते हैं आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।